वेट फॉर अ मोमेंट बेटा, वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक वर्क ऑफ अ रिवर। वर्क ऑफ अ रिवर में हमने जहां पे लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था ऑक्सबो लेक्स तक, उसके आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। Wait for a while. I'm trying to share my screen. Yes. Can you see the screen? Are you able to see it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. So, let's have a quick recap of the topics we have discussed earlier. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meander. Yani, जैसे कि जो river है, वो mountains को cross करके plain area में पहुंचती है, तो वो काफी सारे bends ले लेती है, उसमें काफी twists and turns आ जाते हैं, और इन्हीं twists and turns को क्या कहा जाता है? Meanders कहा जाता है। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meanders, the end of the meander loop come closer and closer. यानी जैसे ही running water जो अपना pressure exert करता है, उसकी वजह से erosion और deposition ये दो processes continuously चलते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, जो meanders की sides हैं, उनके जो loops हैं, वो आपस में cut के यानी erosion होके erode होके आपस में बहुत ज़्यादा close आ जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो जो पोर्शन है, जो लूप है, वो बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम है या मेन रिवर है उससे कट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। और क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स अ ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होगा। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। कई बार क्या होता है, रिवर जो है अपने जो बैंक्स है, बैंक का मतलब तट, यानी रिवर के आसपास का जो एरिया है वो, तो रिवर कई बार क्या होती है, ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसके आसपास का एरिया पे क्या जाएगा? जब रिवर ओवरफ्लो होगी क्या होगा? फ्लड आ जाएगा। यस, तो जैसे ही रिवर ओवरफ्लो हो जाती है तो उसके आसपास के रीजन में क्या हो जाता है? इट लीड्स टू फ्लडिंग। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. अब क्या होगा? ये जो river है, वो plain areas में है, और जब वो overflow हो जाएगी, तो क्या करेगी? जो plain areas है, वहाँ पर just suppose ये कोई land का piece है, और यहाँ पर कोई river है, जब river overflow होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? Flood हो जाएगा। यानी river का पानी जो है, उसके आसपास के neighboring areas है, वहाँ पर deposit होगा। तो ये जो water, river का water जो यहाँ आया है, इस land portion पे, तो इसके साथ क्या आएगा? Fine soil। ठीक है, कुछ soils आएंगी, कुछ stones आएंगे, कुछ rocks आएंगे, इन ये जो अलग अलग चीजें हैं, जो कि जो रिवर का जो वाटर है, जो इरोड करके ला रहा है अपने साथ, वो क्या कहलाएगा? सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, जो सेटल डाउन हो जाती है, डेब्रिस जिनको बोलते हैं, जिनमें सॉइल भी होती है, जिनमें स्टोन भी है, जिसमें रॉक्स भी है, इस तरह का कुछ मिक्सचर है, वो इस प्लेन एरिया में आके डिपॉजिट हो जाएगा। व्हाई? ड्यू टू द फ्लड और ड्यू टू द रिवर वाटर। इस वाटर के साथ फाइन सॉइल आएगी और क्या आएगा? कुछ सेडिमेंट्स आएंगे, जो कि यहाँ आकर इस लैंड पोर्शन में डिपॉजिट हो जाएंगे, और इस डिपोजिशन की वजह से ये जो प्लेन एरिया है, ये क्या बन जाएगा? एक फर्टाइल लैंड बन जाएगा, जिसको कहेंगे फ्लड प्लेन। क्या कहेंगे? फ्लड प्लेन। क्यों?
इसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल हो गई है या फिर एग्रीकल्चर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? आई विल शो यू वन पिक्चर जिससे आपको फ्लड प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल यस, आप देख सकते हो फ्लड प्लेन का एरिया कैसा है. फ्लड कंडीशंस जो आपके राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है जहां जो प्लेन एरिया है वहां पे पूरा वाटर रिवर वाटर आपको दिखेगा जहां ये है एक फ्लड कंडीशन जब वहां पर फ्लड आया था जहां पर वो पानी डिपॉजिट हो गया था रिवर का पानी. ओके, लेकिन जब ये फ्लड कंडीशंस नॉर्मल होती है यानी कि यहाँ का पानी थोड़ा थोड़ा हटने लगेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक फर्टाइल लैंड फॉर्म करेगा. यानी वहां पर क्या है, एक फर्टाइल सॉइल की जो लेयर है फाइन सॉइल वो डिपॉजिट हो जाएगी. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम. यस मैम अंडरस्टूड. मैम हमें अगर मालूम है कि वहां पर फ्लड आता है yes. तो हम वहां पर खेती क्यों करेंगे? वापस अगर फ्लड आया तो सारी खेती खराब हो जाएगी ना बेटा. ऐसे तो रिवर बैंक्स के पास देखो ये दो ऑप्शन है, आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में भी ले सकते हो. जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो मोस्टली अपना सेटलमेंट जो है रिवर बैंक्स के पास करते थे. क्यों? क्योंकि ये रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रिवर के पास पानी है तो एग्रीकल्चर में उनको दिक्कत नहीं होगी, इरिगेशन में उनको दिक्कत नहीं होगी. तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी. और ऐसा नहीं है कि फ्लड हमेशा ही आएगा, जब कंडीशंस होती हैं. अभी नेचुरल डिजास्टर है जैसे हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सेम है हम फ्लड को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी. ओके यस, सो दिस इज द फ्लड प्लेन. नेक्स्ट कमिंग टू दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज. एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स. नाउ व्हाट इज लीवीज, इसके बारे में आई विल शो यू वन पिक्चर. Just a moment. This one. This is levees. What is this? The raised bank. यानी रिवर के पास में कुछ ऊंचाई पर कुछ हाइट पर जो लैंड पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? लीवीज. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो रिवर रिवर जो है यहाँ फ्लो कर रही है, वाटर है इसमें, और ये जो लैंड का पोर्शन है जो थोड़ा सा हाइट पे है थोड़ा सा ऊंचा है दिस इज लीवीज. ओके ओके मैम. यस, एज द रिवर अप्रोचेस द सी. अब आपको पता है जो रिवर माउंटेन से निकल के आई है इसका ओरिजिन माउंटेन से है, अब वो लास्ट में इसका एंड कहाँ पे होगा? किसी ना किसी सी में जाके वो मिल जाएगी. ठीक है, तो जो रिवर है जब वो सी के पास जाती है तो उसकी जो वाटर की स्पीड है वो डिक्रीज होने लगती है यानी धीरे धीरे कम होने लगती है. रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. यानी जो रिवर है जो माउंटेन से रिवर निकली है वो सी तक यानी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, अलग 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 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाएगी रिवर और इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड. यानी वो इतनी स्लो हो जाती है, वाटर का जो फ्लो है इतना स्लो हो जाता है कि उसके साथ जो उसका लोड है यानी जो डिपोजिशन या जो इरोडेड मटेरियल जो वाटर अपने साथ लेके चल रहा था उसको वो क्या करती है? डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है. अब आपको पता है कि रिवर का फ्लो अगर ज्यादा होगा बहुत फास्ट या जो वाटर है उसकी स्पीड ज्यादा है तो साथ में सैंड सॉइल और रॉक स्टोन्स वगैरह अपने साथ मूव कर सकती है इजीली. लेकिन जब रिवर की जो स्पीड है वो ही स्लो हो गई है तो वो जो उसके साथ इरोडेड मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही. यानी अब क्या होगा, जो इरोडेड मटेरियल
मटेरियल है जो वो माउंटेन से लेकर सी तक ट्रांसपोर्ट कर रही थी, उसका वो डिपोजिशन करना शुरू कर दे। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, यानी हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी हम कह सकते हैं जो छोटी छोटी नदियां है, ये अपना अलग एक रास्ता बना लेती है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा, यानी हर एक माउथ यानी हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनसे जो भी सेडिमेंट यानी जो इरोडेड मटीरियल है वो जो डिपॉजिट होगा, और उससे क्या, उसके मिलने से, सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज के मिलने से क्या बनेगा, एक डेल्टा का फॉर्मेशन होगा। तो कैसा एक डेल्टा दिखता है, यस दिस वन इज डेल्टा, देख रहे हो इसके आसपास कैसा हम कह सकते हैं दलदल का एरिया है। ठीक है, ये दलदल का एरिया क्या है, ये सेडिमेंट्स है। ठीक है, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी का जो माउथ है यानी जो उसका रास्ता है, वहां से जो सेडिमेंट्स है वो कलेक्ट होके एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन, मैं इमेजेस आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको हर डेफिनेशन, हर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अंडरस्टूड मैम? मैम आई हैव डाउट। यस मैम, फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, यस मैम, फिर वो जाके सी में मिलती हैं या नहीं मिलती? बिल्कुल मिलेंगी, कहीं ना कहीं जाके उनका एंड होगा। देखो, एक तो रिवर है जिसमें बहुत ज्यादा पानी, ठीक है, और कुछ रिवर्स होते हैं जिनमें बहुत कम होता है या सीजनल होते हैं, जिसमें कि वो रेन वाटर पे डिपेंडेंट है, कि रेन होगी तभी यहाँ पर पानी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बाकी जो सीजन है अदर देन दी रेनी सीजन, उस टाइम उनका वाटर जो है या तो इवेपोरेट हो जाता है या फिर वो खुद ही नेचुरली वो क्या डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, बिल्कुल आप देख रहे हो इमेज में भी बहुत छोटी छोटी सी है, तो जहां तक उसमें पानी आ रहा है तब तक वो चलेगी, नहीं तो अपने आप डिसअपीयर हो जाएगी। और या तो अगर उनमें ज्यादा पानी है तो वो ऑब्वियसली सी में जाकर उसका एंड हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा वाटर सी में जाकर। ओके, ओके, सो दिस इज the end of the topic, work of a river. ठीक है, यहाँ तक working river की working कैसे है, क्या-क्या इसमें terminologies हमने use की, I hope सभी को समझ में आया होगा। meanders है, Oxbow lake है, levees है, flood plains है, delta है, distributaries, ये कुछ terms है, इनकी definitions आपको पता होनी चाहिए या आनी चाहिए, क्योंकि आपके exam में ये पूछी जाएंगे। geography में most important चीज यही है, आपकी definitions। Okay, now next topic, working of sea waves. यानी जो sea waves हैं, समुद्र की लहरें हैं, अब उन वो कैसे work करती? Work of sea waves. This is very interesting. बहुत interesting है ये. Yes, the erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. यानी कि अब सी में जो भी इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, उससे क्या होगा, कोस्टल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे लैंड्स पे माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स बनते हैं, वैसे ही कोस्टल एरियाज पे कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अभी कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या है, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट दी रॉक्स। अब आपको पता है समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं, ठीक है, और वो बड़े बड़े पत्थरों पे जाके टकराती भी है, और उनके टकराने से कंटिन्यूअसली दे आर स्ट्राइकिंग दी रॉक्स, उन रॉक्स को, पर उन रॉक्स के ऊपर जो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर बहुत तेजी से लगता है, बहुत स्पीड से लगता है, इस वजह से उसमें क्या पड़ जाते हैं, रॉक्स में कुछ गैप्स हो जाते हैं या कुछ क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। ये सब आपने देखा होगा, समुद्र की लहरें उठती है और वो किस तरह से, कितने हाई प्रेशर से और स्पीड से वो रॉक्स के ऊपर, रॉक्स को स्ट्राइक करती है, क्रैक्स डेवलप। Over time they become larger and wider. यानी समय के साथ वहां पे लहरें उठती जाएंगी, वो इसी तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस बहुत टाइम तक चलता रहेगा। Thus hollow like caves are formed on the rocks, they are called sea waves. क्या होगा, just suppose this is sea portion, ये sea है हमारा, तो यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी waves जो है उठती है, इन rocks को, rocks के ऊपर strike करेंगी, और धीरे धीरे क्या होगा, इन rocks में क्या पड़ेगा, gap पड़ने लग जाएगा, यानी दरारें आ जाएंगी, cracks आ जाएंगे,
जाएगा, हॉलो होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, केव का, यानी गुफा की तरह। ठीक है, जैसे एक माउंटेन है, माउंटेन में किस तरह से गुफा बन जाती है, सिमिलर वे में यहाँ पर क्या बन जाएगी, केव, क्योंकि क्योंकि ये सी में बन रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सी केव। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये इमेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस मैम। दिस इज सी के। ओके, ठीक। ये सी वाटर है और ये गुफा आपको दिख रही है, विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंटीन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर ऑन दी रॉक्स। रॉक्स के ऊपर कंटीन्यूअसली वाटर स्ट्राइक करता है और इससे ये गुफा जो है या केव जो है इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arches. यानी अब क्या होगा, जब ये cavities अब spread हुए तो sea में obviously उठती रहेगी, continuous process है ये। तो जैसे ये strike करता है तो क्या करेगा, एक time ऐसा आएगा कि जो rock है, ये rock है, इसमें पीछे का यानी आर पार हो जाएगा रास्ता, एक arch का form करेगा। इसका भी इमेज मैं आपको शो करती हूँ किस तरह से सी आर्च बनता है। ये देखो, ये है, यानी जो गुफा थी उसके दोनों तरफ से पानी निकलने लग गया है। ठीक है, अभी गुफा नहीं रही है, केव नहीं रही है, ये बन गया है सी आर्च। ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंटीन्यूअस स्ट्राइकिंग। यस उत्कर्ष मैम, इसे होने में तो बहुत साल लगते होंगे ना? बहुत, मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ इयर्स, बहुत टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये, एक या दो दिन का काम नहीं। जो लैंड फॉर्मेशन होता है हमारे यहाँ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ नेचुरल चीजें जो है हमारे एनवायरमेंट में होती होंगी, चल रही होंगी, कंटिन्यूस ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ सी आर्चेस आर फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, इस रॉक की जो केव है उसकी सिर्फ छत बच गई है, उसके आर पार की जो दोनों साइड की जो वॉल्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ओके, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेप्स। अब क्या होगा, थर्ड लेवल पे क्या होगा कि अब इसकी रूफ भी जो है, रूफ जो है सी आर्च की, वो भी टूट जाएगी। अब रूफ टूट जाएगी तो बचेगा क्या, सिर्फ एक वॉल। ठीक है, वो वॉल क्या है, ये देखो, देखा इमेज आपको, दिस इज नोन एज स्टैक। ओके, अब ना तो वॉल्स है, तो दोनों तरफ की वॉल्स है, ना ही रूफ है, सिर्फ क्या बच गया है, एक वॉल बच गई है, एंड दिस इज नोन एज स्टैक। मैम ऐसे भी तो कहोगे ना कि स्टैक भी कभी कभार गिर जाते होंगे? हाँ, ऑब्वियसली गिर जाएंगे स्टैक्स भी, जब बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर से जो वाटर एंड पे स्ट्राइक करेगा तब स्टैक्स भी गिर जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। यानी जो कोस्टल एरिया है, जो रिवर है, उसके पास का जो एरिया है जहाँ पे स्टीप रॉक्स हैं, यानी हाइट पे, काफी हाइट पे स्टीप एंगल, जैसा हमने कल पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट स्टीप रॉक्स होती हैं, तो ये क्या है, वर्टिकली बिल्कुल खड़ी रहते हैं सी वाटर के पास में, और इनको क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। सी क्लिफ क्या होता है, यू कैन सी हियर, ये दिस इज सी क्लिफ। ओके, वर्टिकल रॉक्स है, स्टीप रॉक्स बिल्कुल, जिसका एंगल एकदम सडन से चेंज होता है। ठीक है, दीज आर सी क्लिफ। यस, दीज आर कॉल्ड मैम क्लिफ। ये दीज आर सी क्लिफ्स, बिल्कुल स्टीप एंगल है, एंड दे ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, सी वाटर से बिल्कुल वर्टिकली ये बिल्कुल खड़ी रहती है, रॉक्स है ये, और इनसे सी क्लिफ का, तो ये सब चीजें जो हमने पढ़ी, लाइक सी केव, सी आर्चेस, स्टैक्स एंड सी क्लिफ्स, दीज आर द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये क्या है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स है, व्हिच आर फॉर्मड बाय द कंटीन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन। इनकी वजह से क्या बनेगा, ये कोस्टल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होगा। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स, फॉर्मिंग
बीचेस यानी कि सी वाटर के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं कहाँ पर रिवर बैंक्स सॉरी सी शोर्स के पास, तो इसका फॉर्मेशन होगा बीचेस का फॉर्मेशन। ठीक है, बीच के ऊपर सॉइल होती है, फाइन सॉइल्स है, शेल्स आपने देखे होंगे, कई बार पर्ल्स भी मिलते हैं बीच, मोती भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो सी वाटर है अपनी वेव्स के साथ जो पानी लेके आता है उस पानी में ये सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज दिस फॉर्म्स बीचेस एट सी शोर्स। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द नेक्स्ट टॉपिक आल्सो, वर्क ऑफ सी वेव्स। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट, यू कैन आस्क मी। नो डाउट मैम, आई एम क्लियर। नो डाउट, नो मैम। ओके, सो लेट्स मेक